अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। मोहतरम हजरात, या इधर इधर से थोड़ा सा अल्लाह के वास्ते हट जाइए, लोगों को दिक्कत हो रही है। बैठ जाए भाई, इत्मीनान से बैठ जाए। बैठ जाए भाई, बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, अल्लाह के वास्ते बैठ जाए, इसलिए कि हजरत की आमद आमद हो चुकी है। मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए, चूंकि आपको आप लोगों को इकट्ठा कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत आज तशरीफ ला चुकी है स्टेज पर। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैंने दो बंद जो है इस्तिक़बालिया लिखा है, बस बस तो बंदी की है एक अकीदत की रोशनी में। हजरत बैठ जाए, आप लोग बैठ जाते हो, बैठ जाए इधर आ जाए, बैठ जाए आप लोग। ये जो बैठेंगे नहीं, इधर उधर रहेंगे, ये सब मेरे वक्त का घाटा हो रहा है। मुझे वक्त चंद लम्हे के लिए दिया गया है, और हजरत कहने के दिल भाई बैठ जाइए, मैं फौरन बैठ जाऊंगा। मैं दूसरे मिजाज का शायर हूँ, मैं एक मिनट नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझको दो मिनट मिले, दो मिनट पढ़ूंगा, मगर इज्जत के साथ, हलवा के तरीके से नहीं मुझे सुना जाएगा। एक मतलब पेश करता हूँ, हजरत अलहाज मौलाना कारी अहमद अली साहब दामद बरकातहुम, फलाही दामद बरकातहुम का मिजाज और दिल खैराबादी का एक मतला पूरी उम्मत मुसलमान को दिल खैराबादी हजरत के मिजाज को भापते हुए एक मतला हाजिर करता है। एक बार मजमे में दोनों हाथों को उठा के कह दे मजमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक मतला हाजिर करता, बहुत लड़ चुके हम, ये देवबंदी, ये बरेली, वो सल्फी, वो शिया, हाथ जोड़ करके अपील दिल खैराबादी करता है। मिजाजे कारी अहमद अली पर दिल खैराबादी ये मिसरा दे रहा है, उनकी दुआ हासिल करता हुआ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए मुझको मसे लगे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा लगेगा कि मुझको मसे लगे नहीं रोक सकते, अरे मुझको मसे लगे नहीं रोक सकते। क्यों? मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसे लगे नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसे लग नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, देवबंदी वहाबी बरेली सबको सबसे मिलाने चला हूँ। जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, जनाब हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब जिंदाबाद, शायर इस्लाम जनाब दिल खैराबादी। के मुझको मसे लगे नहीं रोक सकते, मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, मुझको मसे लगे नहीं रोक सकते। मैं तो मजहब बचाने चला हूँ, वहाँ भी बरेली
सबको सफर से मिलाने चला हो बर्दी वहाबी बरेली सबको सफर से मिलाने चला हो अल्लाह आमीन जज़ाक सर अल्लाह अकबर जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा ये हमारे उलमा का ज़र्फ होता है ये है वारिस अंबिया एक बार जरा दिल खैराबादी मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया ईमान वालों को अमन वालों को दिल खैराबादी शरीक करता है अपने नारे में इस्तकबाल करता है मर्दों के दरमियान एक मर्द नारा लगा रहा है नारे हल्के नारे से इतनी बड़ी शख्सियत का इस्तकबाल ये बस दिखावा है जोरदार नारा लगाइए मैं अकेला नारा लगा रहा हूँ पूरे मजमे को चैलेंज करता हुआ दोनों हाथों को उठा के इस्तकबाल कीजिएगा नारे जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा इस हदीर को इतनी बड़ी दौलत मिली है अल्लाह ताला इस दौलत के उवर अल्लाह ताला हजरत वाला की उम्र में बरकत अता फरमाए जोरे बोले आमीन आमीन मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ एक सिर्फ हाजिर कतन नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते सुनिएगा नेकियां नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते राह में मेरे एक एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते राह में मेरे एक एक कदम पर नेकियां लिख रहे हैं फरिश्ते कदम पर राग में मेरे एक एक कदम पर राग में मेरे एक एक कदम पर कारखाने से घर की तरफ मैं पाँव माँ का दबाने चला हूँ तरफ में पाँव माँ का दबाने चला हूँ तरखाने से घर की तरफ में ये जो इनाम आप दे रहे हैं आप इसी को कहते हैं सदका ये हजरत वाला का सदका है हजरत ने इनाम दे दिया पूरे मजमे का इनाम मुझे मिल गया आप अब अगर 1 करोड़ मुझे दे दे तो खुदा की कसम मुझे यकीन है और मेरा ईमान है कि उतना ज्यादा मैं खुश नहीं होऊंगा कि एक आलिम दीन ने मुझे जो दौलत दी है अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए हजरत ने कहा कि दिल खैराबादी एक नाते पाक पढ़ दो जाहिर सी बात है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 2500 साल 27 साल से इस महफिल में हूँ मगर बहुत कम लोगों का हमारे उलमा में ये हौसला होता है अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत मेरे दिल में जैसे हजरत वाला की मोहब्बत
है अल्लाह ताला और मजीद उसमें तरक्की अता फरमाए। ये एक मतला हाजिर करता हूँ, जुड़ जाइएगा जी। हसीन मतला, तुकबंदी किया है मगर हक पे मबनी है इंशाअल्लाह। खुद छोटा मोटा शायर हूँ, बहुत बड़ा कलमकार नहीं हूँ, मगर मुनफरिद लिखने का हुनर अल्लाह ने दिया है। एक बार फिर तड़प के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के मरहबा मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। ये इसमें कोई शायरी वायरी नहीं है, बस हकीकत है हजरत का इस्तकबाल। दिल खैराबादी अपनी जबान अपने कलम बंद किया है। मुलाहिज़ा फरमा के मरहबा 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 के आलिमे दी की जा सुभान कारी अहमद अली सुभान अल्लाह। अब दिल खैराबादी शरीक करता है, आप हजरत से मोहब्बत करने वाले हैं, आपका जज्बा एक तरफ और दिल खैराबादी का जज्बा एक तरफ। पेश करता हूँ अशरफुल भाई, बड़ी खिदमत की है आपने, मुलाहिजा फरमाए के मरहबा 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 जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह के आलिमे देखे जा कारी अहमद अली कारी अहमद अली कारी अहमद अली आलिमे देखे जा कारी अहमद अली कारी अहमद अली कारी अहमद अली फखरे हिंदोस का फखरे हिंदोस का फखरे हिंदोस का कारी अहमद अली मरहबा 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 मरहबा। अब एक बंदा हाजिर करता हूँ, कपतिया वालों इस्लामपुर वालों अब संभालिएगा मिसरे को, जहाँ तक पहुँच जाए मिसरा। मुलाहिजा फरमाए कि इनकी तकरीर हर दिल को छू जाती है। सुभान अल्लाह, अगर हक न हो सच न हो तो खुदा की कसम वापस कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। दिल खैराबादी शेर हाजिर करता है, माशाल्लाह देखिए कारी हक नारे अहमद अली साहब से पेश करता हूँ कि इनकी तकरीर दिल को छू जाती है, इनकी तकरीर हर दिल को छू जाती है। आलिमे दीने इल्मे दीने नबी की बहार आती है, इल्मे दीने नबी की बहार आती है, इनकी तकरीर हर दिल को छू जाती है, इनकी तकरीर हर दिल को छू जाती है, इल्मे दीने नबी की बहार आती है, इल्मे दीने नबी की बहार आती है। कारी अहमद अली फखरे हिंदोस कारी अहमद अली 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 के थूक दी आखिरी बार पूरे शान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये अकेला मुजाहिद है,
खुदा की कसम ऐसे ही मुजाहिद के लिए कभी मैंने शेर कहा था, इतना इनकलाबी शेर कहा था कि वो अजीब शेर है। मैंने कहा था कि जितने इस्लाम के दुश्मन है तबाही देंगे। शरीफ हो जाइएगा, मतलब मुजाहिदाना है मुलाजा फरमाए कि जितने इस्लाम के दुश्मन है तबाही देंगे, जितने इस्लाम दुश्मन है तबाही देंगे। अमन अमन दुनिया को मुसलमान सिपाही देंगे, 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 सिपाही देंगे। एक शेर बड़ा मर्दाना कह दिया था, लोगों ने बड़ा सराहा। अल्लाह करे कि आपके मिजाज के मुताबिक ये शेर हो जाए। मुलाहिजा फरमाए गवाही देंगे कि शर्त ये है कि शरीक हो जाइएगा। एक शर्त ये है कि इसका इस्तेमाल करेगा। शर्त ये है कि हुकूमत की तवज्जो हो जाए। क्या वो शरीक हो जाइएगा कि जितने इस्लाम के दुश्मन है तबाही देंगे, अमन दुनिया को मुसलमान सिपाही देंगे। सच ये है के सच ये है के सच ये है के हुकूमत की तवज्जो हो जाए, तवज्जो हो जाए, तवज्जो पर देखिएगा कि सच ये है ये है कि हुकूमत की तवज्जो हो जाए। अरे गूंगे भी बाबरी मस्जिद की गवाही दे। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, गवाही दे। खुदरे गिरदो से ताकारी अहमद अली, कारी अहमद अली, कारी अहमद अली, आखिरी भर के फूक की रूह इस्लाह की कौम में। शरीक हो जाइएगा, मैं पीछे देख लूंगा। मुलाजा फरमाए के फूक की रूह इस्लाह की कौम में, फूक की रूह इस्लाह की कौम में, एक नई जिंदगी आ गई कौम में, एक नई जिंदगी आ गई कौम में, एक नई जिंदगी आ गई कौम में, फूक की रूह इस्लाह की कौम में, एक नई जिंदगी आ गई कौम में, खैर का साइबा, खैर का साइबा, कारी अहमद अली, मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा, मरहबा मरहबा मरहबा, तू सलामत रहे दिल की है ये दुआ। जज़ाकअल्लाह।